एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। अब तो अभी मैं बस उठ के वॉशरूम ही गई थी क्योंकि मैंने ना जूस भिजवाया है नीचे से, तो मैंने कहा पहले जूस पी लेती हूँ क्योंकि वरना ना कड़वा होने लगता है ये वाला जूस, तो इसलिए अब जूस पीने मैं जा रही थी। फिर मैं बेसन, मैंने जैसे कुल्ला उल्ला करते हैं ब्रश करती हूँ, तो उसमें हुआ क्या, मेरे को हो रही है नोज़ ब्लीड अब दोनों साइड से। अभी तो मैंने मतलब वॉश करके पूरा रोक के आ गई हूँ, बट अगर मैं अभी ज़रा सा भी कपड़ा लगाऊंगी या कुछ तो दोनों साइड मेरी नोज़ ब्लीड हो रही है, या तो एक्सेस हो गया है जो डोज चढ़ी है, तो थोड़ा मेरे को रुकना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, वरना दोनों साइड से ब्लड निकल ही रहा है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल मैं जूस पी लेती हूँ। दोस्तों मैं बैठी हूँ यहाँ कपड़ों के बीच घिरी हुई और माई है जवे लेके। अब हम पहले साफ सफाई कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि समेट दें पूरा सारा घर फैला हुआ है काफी। एकदम ही करने लग जाओ तो नहीं माई, ये घर में पहनने वाले हैं वो कर रही हूँ बस मैं। ऐसे तो थोड़ा फिर भी बैठा जा रहा है, उससे स्टूल पे नहीं बैठता था, स्टूल बैठना झुकना पड़ता है बारी बारी। तो जी मैं कुछ बनाने लगी थी रील्स, क्योंकि मेरे कुछ आइडियाज आए नए, तो मैंने सोचा रील बना लेती हूँ। अब मैं जाऊँगी फ्रेश होने, मतलब टू टेक बाथ, उसके बाद देखते हैं। और मेरे को काम है थोड़ा, वो भी करना है, तो वो रील्स भी बनाऊंगी। तो मैं रील्स बनाने में लगी हुई थी और मैंने अपलोड भी कर दी है अभी ही, मतलब तो देखना ज़रूर। अभी तो मैंने इंस्टा पे करी है, तो मैं शॉर्ट्स पे भी जल्दी डाल दूँगी, शायद आज ही प्रोबेबली, तो देखते हैं कब डालूँगी। तो जी अब चलते हैं नीचे, मैं हो चुकी थी बिल्कुल रेडी और आज मैंने लगाया थोड़ा ब्राउन और मरून, पता नहीं क्या कोई मिक्स लिप शेड है ये, तो मैंने लगाया, पता नहीं लग कैसा रहा, क्योंकि मैं डार्क नहीं लगाती, मैं सिर्फ मतलब या तो मैं पिंक के शेड्स लगाती हूँ या न्यूड शेड्स लगाती हूँ बस, मतलब ये मैंने पहली बार ही लगाया होगा वरना मैं मजेंटा पिंक में तो मैं लगा लेती हूँ, मजेंटा हुआ जैसे डार्क या कुछ और रेड भी लगा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं लगाया मैंने कभी, तो पता नहीं कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना कि अच्छा लग भी रहा है या नहीं, वरना मेरे को तो खैर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो आज की हमारी मील है ये मिक्स वाली दाल, कोई थोड़ा सा हींग का अचार, आलू बीन्स की सब्जी एंड चपाती और सैलड काटी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ना आयरन की दवाई खाने के बाद मैं सैलड खाऊं, क्योंकि वो बीट रूट और कैरेट और वो रहेगा ना, बीट रूट नहीं सॉरी टोमेटोस खाऊंगी, टोमेटोस में विटामिन सी होता है, तो वो मैं थोड़ा सा नमक डाल के, मैं टमाटर खा लेती हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो मैं खाऊंगी। मैं सोच रही हूँ अभी ऐसे खाना खा लेते हैं, और कर्ड और चीनी भी है, तो ये खाने के बाद फिर मैं आयरन की गोली खाऊंगी, उसके बाद मैं फिर सैलड खा लूँगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी मैं बनाना चाह रही हूँ डैडी और भैया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, तो ये कॉर्न्स मैंने बॉईल कर लिया है, ब्रोकली भी हो गई है, पास्ता मैंने पूरा बॉईल कर लिया अच्छे से, देखिए तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको मैंने इसको थोड़ा ठंडे पानी से, मतलब बॉईल होने के बाद ना ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए, क्योंकि वरना ना स्टिकी नहीं रहता, गर्म पानी रहता थोड़ा स्टिकी रहता है, तो अभी बिल्कुल अलग हो गया। और उसको बॉईल करने पर मैंने डाला था थोड़ा सा घी, ऑयल नहीं डाला, घी ही डाला मैंने थोड़ा सा, और मैं अनियन कट करके फटाफट से पास्ता बनाती हूँ। ये देखिए पैन हमारा हीट हो गया था, तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी, और उसके बाद डालेंगे हम अमूल बटर। अमूल बटर डायरेक्टली ना डालना चाहिए क्योंकि ना वो जल जाता है, तो इसमें हम डालेंगे इसके बाद थोड़ा सा बटर, ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा बटर इसमें, और उसके बाद तुरंत ही हम डालेंगे अभी इसमें मैदा। मैदा आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, हिसाब से डालनी, क्योंकि जितनी मैदा डालेगी ना उतना ये वो हो जाएगा, मतलब थिक होएगा इसका पेस्ट, तो मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून डालूंगी मैदा, ज़्यादा नहीं, वरना फिर उसमें डाइल्यूट करने के लिए आपको उतना ही दूध डालना पड़ेगा।
ये थोड़ा थोड़ा भुनता रहेगा क्योंकि मैंने घी डाला है तो ये बटर इसमें जलेगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। देखिए इतना सा काफ़ी होता है क्योंकि इतने से ही ना अब ये बहुत थिक हो जाएगा। इसमें आप ना दूध डाल के जब डाइल्यूट करते रहेंगे तो वो थिक होता रहता है ऑलरेडी, तो ज़्यादा आपको मैदा नहीं डालनी है। अब ये देखिए ये हल्का सा ना लाइटिश ब्राउन होने लगा है। अब मेरे को दूध भी डालना है तो मैं साथ में ये वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बट दूध डालते डालते मतलब साथ में ही आपको ये डाइल्यूट करना है। देखिए मेरा ये बैटर तैयार हो गया है क्योंकि मैं इसको ना कॉन्टीन्यूसली स्टिर करती रही चलाती रही तो उसमें लम्ब्स उतने नहीं बने, बहुत हल्के हल्के हैं वो। मैं अभी जब उसमें डालूंगी ना ये देखिए इतने छोटे छोटे से हैं। बाकी ये हो गया है पूरा क्रीमी, इसमें और थोड़ा मेरे को दूध डालना होगा। और दूध डालने के बाद इसमें क्या करना है हमें, जो भी हमारे जैसे सीजनिंग है, कुछ मेरे पास ही डोमिनोज की रखी हुई थी चिली फ्लेक्स और वो, बाकी मेरे पास इटालियन सीजनिंग है तो वो मैं इसमें डालूंगी। और थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट मैंने जब बॉईल किया था अपना पास्ता तो उसमें भी ऐड कर दिया था। अब हम धीरे धीरे इसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर, ये देखिए मैंने इसमें अपना ये स्नैपन का ऑरिगेनो डाल दिया है, इटालियन सीजनिंग, और बाकी इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि भैया नहीं खाते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी रखे रखे ना थिक हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का। मैंने थोड़ी बॉईल कर ली थी तो मैंने इस साइज़ में ऐसे इस तरह कट करी है, आपको भी ऐसे ही करनी है। तो ये मेरा पास्ता हो चुका है बिल्कुल रेडी। भैया के मैंने ब्रोकली नहीं डाली है, माँ और डैडी की मैं डाली है। डैडी ज़्यादा पसंद आ रही है और ले आ रही है बहुत सारा। माँ आपको मिला डुल्लू देखो हमारा कैसा मजे में सो रहा है। माँ आप में खून ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपका नेगेटिव है, मैं आपसे ले नहीं सकती। मेरे में तो खून ज़्यादा, माँ के पैर ना नेचुरली पिंक है ऐसे, माँ आप में बहुत खून है। अब क्या करने पड़ा तो खून ही चढ़ेगा सीधे, अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। मेरा नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव ना, मेरा है ओ पॉजिटिव। भैया ढूंढ लो ओ पॉजिटिव वाले एक दो। बेटी अगर तो जी डैडी को तो और भैया को बहुत पसंद आया तो डैडी मांग रहे दोबारा, कह रहे मेरे को तो बेटा और लिया। तो हमारी ताई जी आ गई है। ताई नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। स्कूल से आ गए हैं ताई थक गए। ताई जी आप पास्ता खाते हैं? ताऊ जी खा लेंगे पास्ता? कोई नहीं खा रहा पास्ता, पानी लेके जा रहा। पानी मैं दे दूं? दांत से पकड़ेगा तब जब दांत होंगे। तो जी ताई जी ताऊ जी गए और अभी दिन छिप गया है, मैं सोच रही पहले पूजा कर लेती हूँ। तो जी हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। हे प्रभु सबका आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:30, तो अभी मेरे को लगी थी भूख, तो मेरे को ना मैंने क्योंकि लेट खाया था तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ही एसिडिटी हो रही है। पता नहीं क्या, मैंने शायद थोड़े बहुत चिप्स खा लिए थे वो उससे हो गई, और बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी 11:30 हमारे भैया हमारे देवर जी लेके आए भैया, कह रहे लो कह रहे खाओ पूरा कोटा पूरा करो ऐसे आराम से खाओ। तो मैं लौकी में डाल के खाऊँगी दही क्योंकि भूख भी लग रही थी अभी। जी मैं आ गई थी खाना खा के ऊपर और अब है सोने की तैयारी, बस मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी। देखिए तो ये मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है और बस अब मैं सोऊंगी टाइम से, थोड़ा टाइम से क्या 12:30 बज रहे हैं क्योंकि 11:30 तो मैं लौकी खाई, थोड़ी देर बैठे रही नीचे माँ से बातें करी, फिर उससे मेरा पेट नहीं भरा तो फिर मैंने ठंडे दूध में ना थोड़ी सी ब्रेड भी खा ली क्योंकि एसिडिटी हो रही थी तो ठंडा दूध बनना। मैंने सोचा था कि किसी ने मेरे को बताया था कि गर्म दूध में ना किशमिश उबाल के खाना है, तो मैंने उनके सबके कमेंट्स पढ़े थे तो मैं वो भी करूँगी। और मैं डेट्स भी खा रही हूँ, मैं तीन चार डेट्स डेली खाती हूँ। और किशमिश मेरे को किसी ने कहा था कि 3-4 खाने से कुछ नहीं होगा, बट मैं 3-4 नहीं खा रही हूँ, मैं 12 किशमिश लेती हूँ जिसमें से मैं 4 या 5 लेती हूँ ब्लैक वाली, और बाकी मैं लेती हूँ जो दूसरी वाली किशमिश आती है वो, और एक अंजीर और 3-4 बादाम, और 4 बादाम तो मैं भी वो भी खा रही हूँ, तो मैं ये खाती हूँ। अब मुझे इतना मेरे को ना डाइटिशियन ने बताया कि इतना खाना है क्योंकि बादाम ना
थोड़ा उन्होंने बोला कि लास्ट मंथ में शुरू करना है, मतलब बादाम खाना तो और दूध में घी डाल के लेना वो लास्ट में। कभी कभी क्या होता है कि ताई जी और मेरे उन लोगों ने बताया कि दूध में ये सब चीज़ें डाल के पका के पीने से भी अच्छा रहता है, तो वो भी लास्ट में करना है। तो अभी जो भी पॉसिबल चीज़ है ना, काफ़ी लोगों ने मेरे को अब वो सूप भी भेज दिया है, तो मैं देखूँगी वो, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी सूप किस दिन सारी चीज़ें ला के। अभी तो जैसे बनेगा वो मैं पीना शुरू करूँगी, और बाकी मैं सारी चीज़ें कर ही रही हूँ। नींबू पानी में अब मैं डेली अपना आयरन की गोली खाने के बाद कोई भी सिट्रस चीज़ ले रही हूँ, या तो मैं मौसमी खा लेती हूँ या मैं लेमन वाटर लेती हूँ, मतलब नींबू पानी नॉर्मल सा बना के वो। और बाकी मैं अपना पूरा ध्यान रख ही रही हूँ, आयरन वाली सारी चीज़ें खा रही हूँ। किसी ने कहा गुड़ भी ऐड करना है, तो गुड़ पता नहीं गर्म होता है इसलिए मैं खा भी नहीं रही, क्योंकि और चीज़ें तो मैं खा ही रही हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं खा सकते हैं या नहीं खाना चाहिए या क्या। और बाकी तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बताई, और जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है ना, तो मैं वो सारी चीज़ें फॉलोअप कर रही हूँ, और बढ़ ही जाएगा इस बार खून, ऐसे कोई मुझे लग नहीं रहा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो अभी मैं चेक कराऊंगी, एक हफ्ते बाद नहीं, मतलब और एक दो दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद या 9 दिन बाद ऐसे करके मैं चेक कराऊंगी फिर अब। और अब मुझे लगता है बढ़ा हुआ आएगा, और डाइट मैं प्रॉपर ले ही रही हूँ। पालक वगैरह मैं नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि बारिश के सीज़न में कीड़े आते हैं, तो मेरे को ना बड़ा डर लगता है उन चीज़ों से। और पालक से ना मेरे को मोशन सिकनेस भी हो गई थी जब मैंने बीच में पालक पनीर बनवाया था, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत देता है। और कहते हैं कि आयरन के बाद आपको सिट्रस फ्रूट या SLMC या कोई ऐसी गोली इसलिए खानी चाहिए ताकि वो आपके आयरन को रोक के रखता है, वरना मोशन के थ्रू ना वो सारा आयरन, मतलब जितना बॉडी को चाहिए होता है उतना होता है, वरना निकल जाता है। तो निकले ना सही रहे, तो इस वजह से कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको, मतलब ये मुझे अभी डॉक्टर ने बताया था कि आयरन रोकने के लिए इसलिए कहते हैं कि आयरन की गोली खाने के बाद आप कोई भी सिट्रस चीज़ लें। ये मेरे को एक दो लोगों ने और बताया था, ब्लॉग्स में भी बताया था, और मेरे को इंस्टा पे भी बताया था, मेरी फ्रेंड ने भी बताया, प्रियंका ने। तो सारी चीज़ें जो मेरे को सब चीज़ बता रहे हैं ना, मैं वो सब कर रही हूँ। बीटरूट और वो टोमेटोज़ में खा रही हूँ सैलेड में, जूस में पी रही हूँ अनार का, और बाकी जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं मैं वो सारी कर रही हूँ। और आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग होते हैं ना, आपसे ऐसा लगता है बातें होती रहती, कनेक्ट करती रहती हूँ मैं, क्या आपकी कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी को कमेंट मिस भी किया हो, नहीं पढ़ा हो या कुछ ऐसा, तो सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करती हूँ, फिर शॉर्ट्स भी, फिर इंस्टा के लिए भी काम, फिर मेरा कोलैब का भी वर्क रहता है, फिर एडिटिंग भी रहती है, फिर पूरे दिन काम भी थोड़ा बहुत चलता ही है, फिर मैं मारेडी के पास थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, पूरा दिन इसी में कंज्यूम हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मन कर रहा काम करने का, बट फिर भी करना होता है, तो यही रहता है। बाकी कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि।